आज से यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा की शुरुआत हुई। आज के बाद 24, 25, 30 और 31 अगस्त को होगी परीक्षा। दो शिफ्ट में हो रही है यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा। पहली शिफ्ट सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक, दूसरी शिफ्ट में दोपहर 3 बजे से शाम 5 बजे तक एग्जाम। परीक्षा केंद्रों पर प्रशासन अलर्ट, ब्लूटूथ डिवाइस की हो रही है स्पेशल जांच, एआई से क्रॉस चेक की हो रही है अभ्यर्थियों की फोटो। परीक्षा में नकल से निपटने के लिए बड़ी तैयारी, नक्सलियों पर नए कानून के तहत कार्रवाई होगी, आजीवन कारावास और 1 करोड़ रुपए का लगाया जाएगा जुर्माना। कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के अभ्यर्थियों के लिए यूपी परिवहन विभाग की ओर से मिल रही है मुफ्त सफर की सुविधा। लखनऊ में बस स्टेशन पे ठहरने के लिए किए गए इंतजाम। यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा को लेकर उमड़ा अभ्यर्थियों का हुजूम, पहले पेपर लीक होने से रद्द कर दी गई थी परीक्षा। कानपुर में बने पुलिस भर्ती परीक्षा केंद्र पर लगे अभ्यर्थियों की लंबी कतार, परीक्षा में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती दिखी लड़कियां। मुरादाबाद में पुलिस भर्ती परीक्षा केंद्र पे भारी सुरक्षा बल की तैनाती, परीक्षा के पहले सत्र में शामिल हो रहे हैं 29,000 अभ्यर्थी। यूपी में 5 दिन चलेगी पुलिस भर्ती परीक्षा। कानपुर में पुलिस भर्ती के लिए जा रहे छात्रों की दिखी भारी भीड़, ट्रेन में खिड़की से घुसते दिखे एक छात्र। महिलाओं के डिब्बों से लेकर बाथरूम तक ठसाठस भरे दिखे लोग, बाथरूम में सफर करने को मजबूर दिखे अभ्यर्थी। आज देश मना रहा है नेशनल स्पेस डे। पिछले साल आज ही के दिन भारत के चंद्रयान ने चंद्रमा पर सफलतापूर्वक लैंडिंग करके इतिहास रचा था। पहले नेशनल स्पेस डे पे प्रधानमंत्री मोदी ने देशवासियों को बधाई दी, अंतरिक्ष वैज्ञानिकों के योगदान की प्रधानमंत्री ने सराहना की। सोशल प्लेटफॉर्म पे प्रधानमंत्री ने लिखा, हमारी सरकार ने स्पेस सेक्टर को लेकर कई फ्यूचरिस्टिक फैसले लिए हैं और आने वाले समय में और भी ज्यादा फैसले करने वाले हैं। नेशनल स्पेस डे पे गृह मंत्री अमित शाह ने देशवासियों को बधाई दी, चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पे चंद्रयान के उतरने का जिक्र किया। दिल्ली के बुजुर्गों के लिए गुड न्यूज, बुजुर्गों के बैंक अकाउंट में पिछले 5 महीने की पेंशन जानी शुरू हो गई है, मंत्री आतिशी ने ऐलान किया। स्पेशल ट्रेन फोर्स वन से कीव पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी, 3 दशक बाद यूक्रेन दौरे पर भारतीय प्रधानमंत्री। रूस यूक्रेन संघर्ष के बीच राष्ट्रपति जेलेंस्की से होगी प्रधानमंत्री की मुलाकात, कई मुद्दों पर होगी बात। रूस यूक्रेन युद्ध के शांतिपूर्ण समाधान पे हो सकती है चर्चा, मोदी और जेलेंस्की की मुलाकात पर टिकी दुनिया की नजर। कीव में 7 घंटे तक बिताएंगे प्रधानमंत्री मोदी, प्रधानमंत्री के दौरे के मद्देनजर सुरक्षा सख्त। यूक्रेन में भारतीय समुदाय को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री मोदी, यूक्रेन में बसे भारत पंछियों में जोरदार उत्साह। नीरज चोपड़ा ने तोड़ा पेरिस ओलंपिक का अपना रिकॉर्ड, डायमंड लीग में फेंका 89.49 मीटर भाला। लुसाने डायमंड लीग में नीरज ने नया बेस्ट थ्रो किया, लीग मुकाबले में दूसरे नंबर पर बनाई अपनी जगह। जयपुर में बनके तैयार हुआ विप्रो का पहला प्लांट, सीएम भजनलाल शर्मा ने शुभारंभ किया। श्योपुर पहुंचे मुख्यमंत्री मोहन यादव, 36 लाख तेंदू पत्ता संग्राहकों को बांटी बोनस राशि। दिल्ली में दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग की पहल, फिल्म श्रीकांत की सांकेतिक भाषा में स्क्रीनिंग, कई दिव्यांग बच्चों ने देखी फिल्म। बीते वित्त वर्ष में अयोध्या के श्रीराम मंदिर में चढ़ावे और दूसरे स्रोतों से 363.34 करोड़ रुपए की आय हुई, राम मंदिर ट्रस्ट ने जानकारी दी। शिलांग में मेघालय हाईकोर्ट के जज ने पहले नेशनल मूट कोर्ट प्रतियोगिता का उद्घाटन किया, प्रतियोगिता की थीम है लीडिंग जस्टिस इन नॉर्थ ईस्ट। गुवाहाटी में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान और टाइगर रिजर्व ने साइन किया एमओयू, फ्रंटलाइन श्रमिकों के लिए बनाएंगे निगरानी केंद्र और आवास।
श्रीनगर के टैगोर हॉल में दो दिवसीय फिल्म फेस्टिवल का समापन हुआ, लोगों ने फिल्म देखी। उज्जैन में यूपी के मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने किए बाबा महाकालेश्वर के दर्शन, मंत्री ने लिया बाबा का आशीर्वाद। राजौरी में जेके बैंक रूरल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का 30 दिवसीय ट्रेनिंग कैंप का समापन हुआ, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए टिप्स दिए गए। मुंबई में मॉर्निंग वॉक करते वक्त केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने आम लोगों से मुलाकात की, लोगों से बातचीत की जाना हालचाल। मुंबई में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने पौधा लगाया, दिया पर्यावरण संरक्षण का संदेश। उज्जैन में डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला ने बाबा महाकालेश्वर के दर्शन किए, विधिवत बाबा का पूजन किया। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की बैठक हुई, कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। दिल्ली में जन्माष्टमी को लेकर तैयारियां तेज, फूलों से सजाए जा रहे हैं कान्हा के पंडाल। द्वारका में दिव्य ज्योति जागृति संस्थान में जन्माष्टमी पे दी जाएगी खास प्रस्तुति, तैयारी में जुटे कलाकार। डीडीए ग्राउंड में गोवर्धन पर्वत तैयार किया जा रहा है, इस पर पानी ना बर्बाद करने जैसे प्रतिज्ञा कार्ड भी लगाए जाएंगे। द्वारका के स्कॉन टेम्पल में भी जन्माष्टमी की खास तैयारियां, ऑस्ट्रेलिया पोलैंड और बेल्जियम से आए हैं फूल, महिलाएं बना रही हैं माला। जन्माष्टमी को लेकर मंदिर में बनेंगे 100-100 किलो के दो केक, कान्हा को लगाया जाएगा 18,000 व्यंजन का भोग। सिंगापुर में द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स ऑफ पावर के दूसरे सीजन का प्रीमियर, कई सितारों ने शिरकत की। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने क्रिएट इन इंडिया चैलेंज सीजन 1 का शुभारंभ किया, कहा 25 चैलेंज हमारी अर्थव्यवस्था के विकास और तकनीकी प्रगति के प्रभाव को दिखाती है। गुजरात के गांधीनगर पहुंचे पुडुचेरी के उपराज्यपाल के कैलाश नाथन, मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल से मुलाकात की। ओडिशा के देवगढ़ जिले में मिला सोने का भंडार, ओडिशा सरकार के मंत्री विभूति जेना ने जानकारी दी। दिल्ली के कड़कड़डूमा पहुंचे उपराज्यपाल वीके सक्सेना, विकास कार्यों का निरीक्षण किया। दिल्ली में शिल्प दीदी महोत्सव का आयोजन, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने समारोह में शिरकत की। दिल्ली में खाद्य और पोषण पर राष्ट्रीय सम्मेलन का शुभारंभ, केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सम्मेलन का उद्घाटन किया। राजस्थान के बूंदी पहुंचे लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, जनता से मुलाकात की, सुनी लोगों की परेशानियां। राजस्थान के झालावाड़ के कोलाना एयरपोर्ट पे उतर सकते हैं हर तरह के विमान, टॉप लेयर का किया गया फ्रिक्शन टेस्ट। एयरपोर्ट अथॉरिटी ने किया झालावाड़ के कोलाना एयरपोर्ट का फ्रिक्शन टेस्ट, रनवे पे दौड़ी मशीन वॉल्वो। हिमाचल प्रदेश में फिर बदल सकता है मौसम का मिजाज, मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट। मसूरी में भारी बारिश से सड़क पे आया मलबा, यातायात हुआ बाधित। महाराष्ट्र के वाशिम में जोरदार बारिश, कई इलाकों में हुआ जलभराव। मूसलाधार बारिश से वाशिम की सड़कों पे सैलाब, आने जाने वाले लोग हुए परेशान। त्रिपुरा के साउथ त्रिपुरा जिले में लैंडस्लाइड से भारी नुकसान, कई घरों तक आया मलबा।